नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा में बाढ़ वाले गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले की मैहर तहसील के ग्राम घनवारा में अंत्योदय मेले को किया संबोधित। और उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में पत्नी साधना सिंह के साथ श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर पूर्ण आहुति दी। मुख्यमंत्री अखंड रामायण में भी शामिल हुए। उन्होंने दोहा चौपाई का गायन किया और भंडारे में कन्याओं को भोजन प्रसादी वितरित की। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह के अलावा विधायक, जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त एसबी सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना के मैहर के घुनवारा में आम सभा को संबोधित करते हुए घुनवारा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने घुनवारा में स्कूल के लिए नए भवन बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंत्योदय मेला में भी शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने घुनवारा में उपमंडी आईटीआई सहित मैहर में 3 साल में 25 नई सड़कें बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 28 करोड़ के 26 नए कार्यों का लोकार्पण भी किया। मेले के दौरान 12,000 लोगों को 63 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। रोजगार विभाग द्वारा मेले में आए 300 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया। इस दौरान 300 निःशक्त जनों का परीक्षण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मंत्रालय के कार्यों में सुधार के लिए सुनियोजित नीति बनाए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये बात संस्थान की शासी निकाय की बैठक में कही। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह भी उपस्थित थे। गुप्ता ने कहा कि न्यायालय में जिन प्रकरणों में शासन के विरुद्ध फैसला होता है उनका भी थर्ड पार्टी एवेल्युएशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बड़े विभागों में लीगल सेल बनाने पर विचार किया जाए। गुप्ता ने कहा कि संस्थान द्वारा जिन योजनाओं का थर्ड पार्टी एवेल्युएशन करवाया गया है उनकी रिपोर्ट पर संबंधित विभाग के साथ चर्चा कर प्रभावी कदम उठाए जाए। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएं, इसके लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के लिए समिति का गठन करें। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये बात विश्वविद्यालय की साधारण परिषद की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय श्रेष्ठ हिंदी लिखने और बोलने वाले व्यक्ति तैयार करे। राज्य शासन ने गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार न्यूनतम 25% आरक्षण में प्रवेश की समीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपात्र बच्चों के प्रवेश से जुड़े मामलों को देखते हुए प्रदेश में बच्चों के प्रवेश को सत्यापित करवाने को कहा है। शैक्षणिक सत्र 2013-2014, 2014 से 2015 और 2015 से 2016 में दिए गए बच्चों के प्रवेश का सत्यापन होगा। इसके लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को अपने स्तर पर समीक्षा कर जानकारी भेजने को कहा गया है। तो एमपी लाइव में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं ईएमएस मोबाइल ऐप भी। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।